आज मैं आपके साथ आलू की एक अलग तरह की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं और घर में भी ब्रेकफास्ट में भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू का मसालेदार चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 आलू लिए हैं। आपको अपने हिसाब से आलू लेना है, मैंने 3 लिया है। और तीनों को अच्छी तरह से हमें ग्रेट कर लेना है, उसे ना ही पानी में ग्रेट करना है और ना ही उबालना है। कच्चे आलू को हमें अच्छे से ग्रेट कर लेना है। एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ली है, जिसे छोटा छोटा कट करके डालना है। उसके बाद एक छोटा चम्मच हरी मिर्च ली है, आप अपने हिसाब से तीखा रख सकते हो। एक बड़ा चम्मच मैंने टमाटर का लिया है, जिसे छोटा छोटा कट करना है और उसका जो बीज होता है उसे हमें निकाल देना है, ताकि चीला एकदम शेप वाला बने और एक्स्ट्रा पानी वो हो निकल जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे धनिया लिया है। धनिया का टेस्ट चीला में काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप इसे स्किप मत करना, इसे ज़रूर डालना। उसके बाद हमें मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट लिया है स्वाद अनुसार, और लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, आपके घर में जो भी मसाला अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। इसके बाद इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक हमें उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद हमें एक नॉनस्टिक पैन लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल को स्प्रेड कर देना है। जो मिक्सचर हमने बनाया है उसे एक चम्मच के मदद से अच्छे से स्प्रेड कर देना है और एक राउंड शेप देना है। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है, ताकि चीला नीचे से जले नहीं और उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा रहे। तो ये दोनों तरफ से अच्छे से सीख जाएगा और उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होगा। तो कैसी लगी वीडियो आपको?